अच्छा जी, तो हम ये बेसन की रोटी बनाने लगे हैं जिसके अंदर 3 चम्मच मैंने आटा ले लिया है। ठीक है, ये बहुत हेल्दी होती है, जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। तो ये 3 चम्मच आटा ले लिया है और अब इसके अंदर हम ये बेसन डालेंगे। तो ये मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ। आप लोग ये छानने के बाद डालें तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मैंने डायरेक्ट ही डाल लिया है, इसके बाद मैं दोनों को मिक्स करके तो फिर छानूंगी। ये 4 चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है। ये जी 4 चम्मच जो है ना बेसन हो गया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको छान लें, फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। अच्छा, तो ये बेसन और आटा हमने डाल लिया है, तो अब हम इसके अंदर जो है ना वो स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले हमने ये नमक डालना है, आपको जितना पसंद है उसके अतबार से आप लोग डाल सकते हैं। फिर जी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसके अंदर, आपको जितना पसंद है। मैं वैसे हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर रही हूँ, तो ज़्यादा लाल मिर्चें नहीं इसके अंदर डालनी। फिर इसके अंदर जी हल्दी डालेंगे, बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी चुटकी सी जायके के लिए। और इसके अंदर सब्जियां डालेंगे, कौन कौन सी सब्जियां डालनी है, मैंने कद्दूकस किया हुआ है, प्याज को वो डालेंगे और मैं शिमला मिर्च डालूंगी, हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। ठीक है, अच्छा इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे और बाकी जो है ना वो बैटर बनाने के लिए हम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर भर के दही डाल लिया है और इसके अलावा बाकी जो है ना वो पानी डाल लेंगे। ये देखिए, इसमें पानी डाल लिया और हमने बैटर बना लिया। जिस तरह हम पैनकेक्स बनाते हैं ना, उस तरह के हमने ये बनाने हैं, तो हमें ये आटा इस तरह का चाहिए होगा। ठीक है, और इसके अंदर हम सारी सब्जियां ऐड कर देंगे, जैसे हरा धनिया है, ये कद्दूकस किया हुआ प्याज है, शिमला मिर्च है और जी ये हरी मिर्चें हैं। ये आपने सब डाल देना है और इसको मिक्स कर देना है और आए जी फिर हम इसकी रोटी बनाते हैं। ये इसके अंदर हम ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसके अंदर हम बैटर डालेंगे और फिर बनाएंगे।